Morning students, hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Priya Vidyarthiyo, aaj hum कक्षा में चौथी कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, वो रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कवि परिचय पढ़ेंगे। श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं शामिल हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं, अर्थात जिनका लाभ बच्चे उठा सके, ऐसी पोइम्स भी उन्होंने लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशी अभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। लेट अस स्टार्ट। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी कविता के रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इस कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी एवं उसकी महानता का वर्णन किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, अर्थात जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस भूमि के बारे में वो बता रहे हैं, जो मेरी मातृभूमि है, प्यार से, क्योंकि हम अपने देश में ही पलते हैं और उसकी हम माँ की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उसे मदरलैंड बोल देते हैं, मातृभूमि, ठीक है। उसके बारे में कवि ने उल्लेख किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत हैं उनकी ऊंचाई को देखकर ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू रहे हैं। नीचे चरण तले पर, मतलब जब अगर आप इंडियन मैप देखोगे, एज यू वेरी वेल नो, तो नीचे क्या है, इंडियन ओशन, नित सिंधु झूमता है। सिंधु का अर्थ होता है सागर, ठीक है। हमारे देश के दक्षिण में जो हिंद महासागर है वो ऐसे लगता है कि भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूम रहा है।
लहरा रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में सरस्वती नदी भी होती थी, जिससे तीन नदियों का संगम हो गया त्रिवेणी। ठीक है, ऐसी महान नदियां हमारे देश में बह रही हैं, जिनकी निरंतर लहरें उठती रहती हैं, अर्थात हमारे देश में नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। जगमग छठा निराली, पग पग पर चहर रही हैं, अर्थात उनकी छठा, उनकी ब्यूटी देखने लायक होती है। पग पग पर चहर रही हैं, अर्थात थोड़े थोड़े एरिए के बाद ही भारत में बहुत सारी नदियां हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, इस प्रकार कवि कहते हैं कि इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण भारत मेरी माता, भारत माता पुण्य भूमि कहलाती है। ठीक है, और स्वर्ण भूमि क्यों कहेंगे, एज यू वेरी वेल नो बेटा कि भारत की मिट्टी है, जो भूमि की मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, यहाँ फसलें खूब होती हैं और यहाँ की धरती सोना उगलती है, इतने मतलब एक्सपेंसिव यहाँ पर फसल होती है जो सोने के समान है, इसीलिए मातृभूमि मेरी स्वर्ण भूमि कहलाती है। वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वह मातृभूमि मेरी, वही मेरी मातृभूमि है जो हमारा माता के समान पालन पोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, अर्थात भारत माता की धरती पर झरने भी अनेकों दिखाई पड़ते हैं, अनेक पहाड़ों से झरने निकलते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं, अर्थ यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर उत्तरांचल जो सारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारे देश की, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सुंदर पहाड़ हैं जहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं चिड़ियाँ सारे बर्ड्स का। हमारे भारत में बहुत सारे प्रकार के बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ चहकती रहती हैं हो मस्त झाड़ियों में, अर्थात जगह जगह झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट हमें सुनाई देती है। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ होता है बेटा आमों के बाग, यहाँ पर आमों के भी कई बाग हम पा सकते हैं, हम देख सकते हैं। कोयल पुकारती है, जैसे आपने देखा ही होगा आम के बागों में मोस्टली जो बर्ड है वो कोयल होती है, जो अपनी म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करती है, बोलती है कोयल, कुकू करती है। बहती मल्य पवन है, मल्य पर्वत है जो वो दक्षिण भारत में है, अगर आपने नोट किया हो कर दक्षिण भारत से पर्वतों से जो वायु आती है अगर वो हमारे एरिए तक बहती है तो बहुत वो प्लेजेंट फीलिंग देती है हमें, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा बारिश भी लेकर आती है। कोयल तन मन संवारती है, हमारी हमें उस फ्रेश एयर की बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वहाँ जो फ्रेश एयर होती है वो हमें तन से भी और मन से भी बहुत ही खुशी प्रदान करती है। वह धर्म भूमि मेरी, अर्थात भारत भूमि को धर्म भूमि भी कहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ है
है ना, और यहाँ के जो निवासी हैं भारतीय हैं वो भी धर्म को मानते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए धर्मभूमि कहा गया है। वह कर्म भूमि मेरी, कर्म भूमि मतलब यहाँ के लोग कर्म में बिलीव करते हैं, कर्म करने की प्रेरणा हमें हमारी धरती देती है, इसीलिए हमारी धरती को हम धर्म भूमि भी कह सकते हैं, कर्म भूमि भी। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। नेक्स्ट, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाया। यह वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात हमारे भारत की धरती इतनी पवित्र है, जहाँ पर रघुपति राम जी का जन्म हुआ है ना, वो अवतारी मनुष्य थे, पुरुष थे, भगवान स्वरूप थे वो। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पर जो राम जी की पत्नी थी सीता मैया, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण जी ने भारत में ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था है ना, और युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था, जिस गीता से हम आज तक लाभ उठाते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जो गौतम जी थे, गौतम बुद्ध, उनका भी भारत की पवित्र भूमि में जन्म हुआ था। वैसे उनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन पहले पुराने ज़माने में जब गौतम जी का जन्म भारत में हुआ था, तब कोई बॉर्डर नहीं थे है ना, वो आराम से आ जा सकते थे इधर उधर। ऐसे ही गौतम बुद्ध भी भारत के मतलब पास ही थे, वो नेपाल में जहाँ लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था, वो भारत के पास ही थे, और उन्होंने भारत में भी काफ़ी भ्रमण किया, और जो उन्हें ब्लेस मिली थी कि आपने दुनिया को सुधारना है, दुनिया को मोक्ष के रास्ते पे लेके आना है, वो चीज़ें सारी भारत में हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जन्म भी भारत में ही किया, जिसका सुयश बढ़ाया, जो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। आप भलीभांति जानते होंगे जापान और जो चीन की कंट्रीज़ हैं, वो सारे महात्मा बुद्ध को ही मानते हैं। जग को दया दिखाई, दुनिया को सिखाया कि हमें दयालु होना चाहिए। जग को दिया दिखाया मतलब दुनिया को उन्होंने ट्रुथ दिखाया, ज्ञान का दीपक दिखाकर उन्हें सही मार्ग बताया, और वो सारी संसार में उनका ये उपदेश मानने लगे, मतलब लोग माना जाने लगा। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र आपने देखा ही होगा, महाभारत हुआ है ना, बड़े बड़े युद्ध भी यहाँ पर हुए हैं। बुद्ध भूमि मेरी क्योंकि यहाँ पर बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म का जन्म, मतलब उन्हें सृजन किया था बौद्ध धर्म का। वह जन्म भूमि मेरी, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी जन्म भूमि है, कवि कहते हैं। वह मातृभूमि मेरी, और मेरी माँ के समान मेरी भूमि है। इस प्रकार बच्चों, इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि भारत के बारे में, उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, उनकी पुण्य भूमि, स्वर्ण रूप भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, सभी शब्दों से संबोधित करके उन्होंने अपनी धरती माता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ क्या क्या अच्छी बातें अब तक आज तक हुई हैं।
होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा. टेक केयर. बाय बाय.